दिल्ली दे राजौरी गार्डन वार्ड नंबर 5 एस विखे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर इंद्रप्रीत सिंह कोचर मोंटी ते वार्ड नंबर 5 एस के प्रधान लवजीत शर्मा खास तौर पर मौजूद रहे। मौके ते बोलदिया इंद्रप्रीत सिंह कोचर मोंटी ने दसिया कि कैंप दौरान हजारा की गिनती विच लोगों वालों खूनदान किया गया, ब्लड टेस्ट किए गए ते चेकअप किया गया। उन्हें इस मौके विधायक तनवंती चंडेला, डॉक्टर दयानंद चंडेला, मणिपाल ग्रुप ते कैंप लगाउण वाले सारे प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद किया। सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने विधायक जी का, धनवंती चंदेला जी का, डॉक्टर चंदेला जी का, और ये स्कूल की अथॉरिटीज़ का और प्रिंसिपल जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद ये मणिपाल ग्रुप का, और जो ये राजीव जी हैं जो ब्लड ग्रुप बैंक से हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से ये सारा कैंप ऑर्गेनाइज़ करा। और हमारी सारी टीम, लवजीत शर्मा जी हों, शाह जी हों, और सारी हमारी ये वार्ड 5S की टीम हमारी, जिन्होंने यहाँ पर पूरा सहयोग करा और मैं ये कैंप को बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे अपना, जिन्होंने ब्लड दिया, ब्लड टेस्ट कराए, और हजारों की तादाद में आए चेकअप, लोगों का चला फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, और ये जो ECG ब्लड के टेस्ट, आपके शुगर के, BP के, बहुत ही भारी तादाद में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। हमको आगे भी परमात्मा हमको शक्ति दे, हम आगे भी ऐसे जो ये भलाई के काम है ये प्रभु हमसे कराता रहे। मैं फिर लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके ये सारे टेस्ट और ये सारे चेकअप करवाए, और मैं तहे दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ सबका। इस दे नाल उन्हें कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस तरह ही सब दे सहयोग नाल लोक भलाई दे काम करवाउंदे रहणगे। मौके ते बोलदिया लवजीत शर्मा ने भी दस्या कि विधायक तनवंती चंडेला ते दयानंद चंडेला जी दे दिशा निर्देशां अनुसार इस कैंप दा आयोजन किया गया, जिथे हजारां दी गिणती विच पहुंच के लोकां ने फायदा लिया। उन्हां इस कैंप दौरान सहयोग करन वाले सब लोकां दा भी धन्नवाद किया। इस संयोजक को चलाने के लिए हमें जो हमारे विधायक जी ने, धनवंती चंदेला जी और डॉक्टर दयानंद चंदेला जी ने जो उपदेश दिए कि लोगों की सेवा के लिए ये काम करने के लिए, और आज वही कैंप हमने यहाँ चालू किया जिसमें हजारों लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, ब्लड टेस्ट करवाए, ECG कराए, तो मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब को और अपने विधायिका जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो आए हुए सभी सहयोगों को कि मैं जो उन्होंने इन सहयोग के साथ हमारा एक कंधे से कंधा मिलाया, उन सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं सबको, और अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। कि यहाँ पे जो सेवा हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, सब अपना आके अच्छे से आराम से बिल्कुल सब अपना करवा रहे हैं, टेस्ट फ्री में सब टेस्ट हो रहे हैं। सबका थैंक्स करते हैं हम सारे सेवादारों का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे वार्ड अध्यक्ष तृप्ति शर्मा जी का और मोंटी कोचर जी का, जिन्होंने ये निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को अपनी सेवा का मौका दिया, और हमारे परिवार के 11 सदस्यों ने अपना यहाँ के खून की जांच कराई। धन्यवाद करना चाहता हूँ लवजीत शर्मा जी, वार्ड अध्यक्ष 005S के, और उसके बाद मोंटी कोचर जी का, जिन दोनों के सहयोग से ये काम हुआ, और अच्छा है ये आगे दोनों बढ़ते रहे और इस तरीके से काम करते रहे। मैं मोंटी भैया और लवजीत भैया का धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने ये कैंप लगा के सबको बहुत अच्छा ये दिया है योगदान कि भाई सब अपना टेस्ट करा सके। मैं लवजीत शर्मा, मेरे बड़े भैया और वो मोंटी भैया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम यहाँ कैंप में आए हैं, हमने यहाँ ब्लड टेस्ट कराया है, और यहाँ पे लोग पौधे भी दे रहे हैं और ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। कैल्शियम करवाया, यूरिक एसिड कराया, और काफ़ी अच्छा लगा इनका सबका सहयोग, हर किसी के साथ इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर ये पूरे हमारा परिवार भी आया तो पूरे लाइन से लगा रहा है, और बाकी सभी लोग भी निवासी पूरे लाइन से लग के काम करते रहे हैं, और ये इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतने मैं आज ब्लड टेस्ट करवाना इसा, आई चेकअप है, और इंतजाम सारे बहुत अच्छे ने। प्रबंध तो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि भाई इनको चलने फिरने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं आप सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा ध्यान सीनियर सिटीजन की तरफ ही ज़्यादा जा रहा है।
मैंने थायराइड करवाया है, KFT करवाया है, LFT करवाई है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, अच्छा गाइड किया सबने, अच्छा गाइड किया और अच्छा ट्रीटमेंट था, बहुत बढ़िया, और ऐसा होना चाहिए, इन फ्यूचर भी ऐसा होना चाहिए। सोशल कॉज है हमेशा अगे रहते हैं, चाहे कोविड का टाइम होए, चाहे कोई होर समय होए, जिस तरह अज भी इन्होंने बड़ा वड्डा इतने फंक्शन ऑर्गनाइज़ किया, तो असं दिलों इन्हों का धन्यवाद करते हैं और अगे भी इन्हों आशीर्वाद देंगे कि अगे भी जिस तरह कोई हो समाज वास्ते ये अपनी सेवा जी जारी रख। लवजीत शर्मा ने जड़े उन्होंने दिल नाल धन्यवाद करनी है कि उन्होंने यह इंतजाम रखिया, हर किसी के वास्ते नहीं होंगे, इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिता संगत का, रजौरी गार्डन तो भी आई है संगत और बाहर की भी है, उन्होंने भी टेस्ट करवाए ने, बहुत अच्छा, दिल नाल धन्यवाद है। अपना BP का आई का आईज टेस्टिंग का भी प्रोविजन रखा हुआ इतने, तो अच्छ काफ़ी इतने जनसंख्या लोग सिगे सवेरे और एट प्रेजेंट भी है, तो जिस तरह तुम्हें मौका मिले तुम आ के देखो और अपने इतने सेवा का लाभ लो। अज रजौरी गार्डन की संगत को बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए है कि साढ़े होनहार बच्चा इंद्रप्रीत सिंह कोचर लवजीत सिंह जी शर्मा, इस टाइम तुम्हें पता ही है रजौरी गार्डन के अंदर वह चढ़ के सेवा कर रहे हैं, जो भी इतों दिया प्रॉब्लम ने उन्होंने पूरा कर रहे हैं, वह चढ़ के हिस्सा पा के हर एक काम अगे लैके आ रहे हैं। मैं तो कहनी हाँ ये जे होनहार भरा बच्चे साढ़े जे अगे आ रहे हैं, सानू लोगों भी रल मिल के इन्होंने बच्चों ज़्यादा तो ज़्यादा उत्साह देना चाहिए, इन्हों का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अज तक किसी ने यह काम नहीं किया जो ये रल मिल के मेरे बच्चे तो मेरे वीर जी कर रहे हैं। इसलिए सानू चाहिए कि कुछ वो साढ़े नाल चल रहे हैं, कद इत रजौरी गार्डन की संगत भी साडा सहयोग देवे ताकि बच्चे का भी तो वीर जी का भी हौसला बुलंद रहे। इस बच्चे ने पहला करोना टाइम तो कोई बहुत काम किया, अज रजौरी गार्डन लाल बिल्डिंग स्कूल के सामने मिडल स्कूल के इस बच्चे ने फ्री चैकअप कैंप लगाया 24 आवर्स, किसी भी कोई किसी चीज़ की जरूरत है ये थोड़े नाल हर वक्त खड़नगे, थोड़ा कोई भी काम है, कोई भी थोड़े लाइक हैल्प है, जिसनों भी कोई प्रॉब्लम हैगी है, कोई दवाई दी है, किसी भी हैल्प दी है, ये थानू इन्हां दी पूरी टीम पूरा सिस्टम साथ देगी, थोड़े नाल चलेगी, मेरी इन्हां बच्चों के नाल वध तो वध मिठिया मिठिया आसीसा ते दुआवां। मैं तो कहंगी ए जे होन बाहर बच्चों सब नू रल के आसीसा देनिया चाहीदियां ने कि आने वाले टाइम ते बच्चे खूब प्रफुल्लित होन, उपर उभर के आन ते रजौरी दे पूरे काम नू संभाल लैन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।